हेलो दोस्तों, मैं सुजाता शर्मा, मेरे चैनल पशु जतन में आपका स्वागत है। आप रोज रोज वही सब्जी खाकर बोर हो गए होंगे, तो मैं आज आपके लिए एक नई तरीके की सब्जी लेके आई हूँ जिसका नाम है सेब भाजी। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। भाजी बनाने के लिए हमें किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। ये खड़े मसाले हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो तेजपात के पत्ते और एक चम्मच जीरा है। और ये मसालों में आधी छोटी चम्मच मिर्ची, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी, ये दो टमाटर और दो से तीन हरी मिर्ची, एक बड़ा प्याज ले रखा है। आपके पास छोटे हों तो आप दो ले सकते हैं। ये आधा कटोरी सेब लिए हैं। यदि आपके पास प्लेन सेब हैं तब तो आप इसी तरीके से मसाले डालिए। यदि आपके मसाले वाले सेब हैं तो आप मिर्च और मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। और ये आधा ग्लास मैंने दूध लिया है। चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जब हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं पहले खड़े मसाले लूँगी। मैं एक चम्मच जीरा ले रही हूँ, दो तेजपात के पत्ते, एक दालचीनी का टुकड़ा। आप इसमें और भी खड़े मसाले ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। अब ये हमारे मसाले थोड़े भुन चुके हैं। अब मैं प्याज को, जो मैंने बारीक कट कर रखी थी, प्याज डालूँगी। अब प्याज को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है। प्याज को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। अब इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी हम इसे 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। ये प्याज भुन चुकी है। अब मैं इसमें बारीक कट करके मैंने जो टमाटर रखे थे और हरी मिर्च वो डाल रही हूँ। इसको भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। ये हमारे टमाटर थोड़े भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच डालूँ नमक। नमक आप स्वादानुसार ही डालिए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच मिर्ची, मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो आधी चम्मच गरम मसाला मैं अभी डालूँगी, आधा चम्मच गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी। आधी चम्मच गरम मसाला बाद में डालने से क्या होगा, ऊपर से इसका गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमें इसे स्लो मीडियम गैस पे मसालों को भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें आधा ग्लास दूध डालूँगी। दूध से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में, और साथ में ही मैं डालूँगी पानी। आधी कटोरी मैंने पानी लिया था और आधा ग्लास मैंने दूध लिया था। अब हम इसमें उबाल आने देंगे। इसे हमें लगातार भूनते हुए चलाना है क्योंकि हमें इसमें दूध डाला है, दूध ना फट जाए इसलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है। अब देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी सेब और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हमें स्लो मीडियम गैस पे ही इसको पकाना है, और मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूँगी। देखिए ये हमें बीच बीच में हमें सब्जी को चलाना है ताकि हमारे सेब ओवर कुक ना हो जाएं, और हमें पकाना है ना मुलायम होने तक है। अभी हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। अब सब्जी बन के हमारी तैयार है। अब मैं इसमें लास्ट में भी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालूँगी और इसको हरे धनिए से हम गार्निश कर देंगे। अभी हमारी सब्जी सर्विंग के लिए तैयार है। मैं इसको सर्विंग बाउल में डालती हूँ। इससे भाजी की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।